स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCTC ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 38, जो कि क्लास 9 के बच्चों के लिए। सब्जेक्ट आपका मैथ्स है, डेट है जिसकी 6 अक्टूबर 2021। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास चीज़ें करने लिखेंगे। तो अपना चैप्टर है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जो आपका स्टैटिक्स चैप्टर है उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पता है कलेक्शन ऑफ डाटा कैसे होता है। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे रखा है, 30 स्टूडेंट 9th क्लास के हैं, जिन्होंने 50 इन अ टेस्ट ऑफ 50 मार्क्स, यानी 50 मार्क्स के टेस्ट में उन्होंने 30 स्टूडेंट्स के ये मार्क्स आए हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सम डिफिकल्टी इन ड्राइंग सम कंक्लूजन, यानी कंक्लूजन बनाने के लिए आपको कुछ डिफिकल्टीज होगी, जैसे सच एज फाइंडिंग हाइएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स, यानी इसमें आप हाइएस्ट मार्क्स ढूंढेंगे तो आपको डिफिकल्टी होगी, लोएस्ट मार्क्स ढूंढेंगे तो आपको डिफिकल्टी होगी। बाय लुकिंग एट द डाटा बफ देखो, ओनली बाय कलेक्शन ऑफ डाटा इस प्रपोजल यूटिलाइजेशन इज़ नॉट कन्फर्म, यानी अगर हम डाटा को बस कलेक्ट कर लें तो वो एक कन्फर्म नहीं है। द अबव रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड रॉ डाटा। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है डाटा की, ये रॉ डाटा कहलाती है। इन ऑर्डर टू ड्रॉ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटा इट्स नीड्स टू बी अरेंज सिस्टमेटिकली। अब एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हमें इसे सिस्टमेटिकली अरेंज करना पड़ता है। वी वॉन्ट टू प्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ वट विच इज़ मीनिंगफुल इजिली अंडरस्टूड एंड गिव इट्स मेन फीचर्स एट अ ग्लांस, लेट अस अंडरस्टैंड डिफरेंट वेज ऑफ प्रेजेंटिंग द डाटा। तो ये बता रहे हैं कि हमें वी वॉन्ट टू प्रेजेंट द डाटा, हम प्रेजेंट डाटा को एक मीनिंगफुल वे में प्रेजेंट कर सकते हैं जिससे अच्छे से समझ आ जाए। अब यहाँ पर डिफरेंट वेज बता रखे हैं डाटा को प्रेजेंट करने के लिए। इट बिकम ईजी टू ड्रॉ सम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटा गिवन अबव, ये इजी हो जाता है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बनाने के लिए। मार्क्स ऑफ 9th स्टूडेंट्स इफ़ वी अरेंज इट आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर इट कैन बी राइटन एज, अब 9th स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं उन अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो यहाँ पे आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है कि छोटे से बड़ा होता है ना, तो 2, 2, 5, तो इन्हीं नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। हाउ कैन वी ईजिली, तो यहाँ पर हम ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं ये हाइएस्ट मार्क्स हमारे कितने हैं, 41 है, और लोएस्ट मार्क्स हमारे 2 हैं। द डिफरेंस ऑफ द हाइएस्ट एंड लोएस्ट, अब हाइएस्ट मार्क्स में से लोएस्ट मार्क्स अगर हम माइनस कर दें तो उस डाटा की रेंज निकल आती है। सो द रेंज ऑफ द दिस केस इज 41 - 2 = 39। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड टू ड्रॉ मोर मीनिंगफुल एंड पर्पजल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटा वी कैन अरेंज इट इज फॉर्म ऑफ टेबल विच इज़ कॉल्ड अनग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब इसे हम और टाइप्स में भी रख सकते हैं, एक टेबल की फॉर्म में होती है, आपने ये पहली क्लासेस में भी यानी 8th क्लास 7th क्लास में भी करते हुए आ रहे हैं। अनग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होती है, टू ड्रॉ दिस टेबल वी पुट अ टॉली मार्क फॉर इच एंट्री, हम इच एंट्री के लिए एक टैली मार्क रखते हैं। इफ़ देर आर 4 टैली मार्क्स इन फ्रंट ऑफ अ नंबर द 5th टैली मार्क इज़ प्लेस डायगनल कटिंग द प्रीवियस 4 टैली मार्क्स, अगर 4 टैली मार्क्स हैं, अगर 5th भी हो रही है हमारी तो उसे डायगनल से कट जाएगी। द सेम यू कैन सी इन द टेबल अगेंस्ट द नंबर 19 and 21, इसमें आप देख सकते हैं जो नंबर 19 और 21 है वो आपको पता है, वो 19 और 21 कितने स्टूडेंट्स ने, 5 और 5 स्टूडेंट्स ने लिया, तो 4 नंबर लिया और उसे 5 को डायगनल से काट दिया। द सेम यू कैन सी इन द टेबल वी कैन काउंट टैली मार्क्स एंड राइट द फ्रिक्वेंसी ऑफ दैट नंबर, हम टैली मार्क्स को काउंट कर सकते हैं और फ्रिक्वेंसी बता सकते हैं। आगे आपको ट्राई योर सेल्फ, द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलो, तो यहाँ पे आपको ब्लड ग्रुप बता रखा है 8 क्लास के बच्चों का। रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में इसे लगाना है। वट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड विच इज़ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमॉन्ग द स्टूडेंट, यानी सबसे कॉमन वाला ब्लड ग्रुप किसका है और रेयरेस्ट कौन सा है, तो आप इसका आंसर करेंगे तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो जाएगी। ब्लड ग्रुप आपके, आप देखिए सारे को मिला के आपके 4 ब्लड ग्रुप देखे, ए बी और ओ टैली मार्क्स, और ये हमारी फ्रीक्वेंसी, तो ए हमारी कितने है, ए हमारा 9 टाइम्स है, तो हमने यहाँ पे 4 बार ये बनाया और फिर उसे डायगनली काट दिया, फिर 4 और, तो ये 5 और 4 कितने हो जाएंगे, फ्रीक्वेंसी हमारी 9 हो जाएगी। बी हमारे 6 हैं, तो 4 हमने यहाँ बनाया, एक काट दिया, 5 और 1 6, तो ये 6 हो जाएंगे। ए बी हमारे 3 हैं और ये 3 लिख दिया, ओ हमारे 12 हैं, तो 5 ये और ये 2, तो 12 हो जाएगा। टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप हमारा ओ है, यानी
वो ज़्यादातर लोगों में है, तो ये मोस्ट कॉमन हो गया। और एरिस्ट ब्लड ग्रुप हमारा ए बी है, जो कि तीन ही लोगों में है, तो ये आपका ए बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप इसे बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ फॉलोइंग डेट्स गिवन गिव्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 14 फैमिलीज। यानी ये जो डाटा दे रखा है, यहाँ पे चिल्ड्रंस बता रखे हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस बता रखे हैं 14 फैमिलीज़ के। रिप्रेजेंट इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बस इसे रिप्रेजेंट करना है, तो इसका आंसर करेंगे, तो ये रही आपकी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पे दे रखे हैं 0, 1, 2, 3, 4, इतने ही नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपको दे रखे हैं। टेली मार्क्स है, फ्रीक्वेंसी है, तो 0 नंबर ऑफ स्टूडेंट चिल्ड्रन 5 है, तो हमने इसे 5 रिप्रेजेंट करा। 1 9 नंबर में है फ्रीक्वेंसी, 2 हमारे 15 फ्रीक्वेंसी है, 3 हमारा 5 फ्रीक्वेंसी में है, जैसे हमने 5 पे काट रखा है, और 4 नंबर ऑफ चिल्ड्रन 6 फ्रीक्वेंसी में, तो ये आपका टेली मार्क 6 का हो जाएगा। 20 अभी इन्हें हम प्लस करके देखिए तो हमारा 40 आ जाएगा। तो 40 फैमिलीज में 5 जगह एक बच्चे, यानी हर एक फैमिली में एक बच्चा 9 परिवार में है, 15 परिवार में 2 बच्चे हैं, मतलब एक परिवार में 2 ऐसे 15 बार 2 हैं, और 5 परिवारों में 3 बच्चे हैं, 3-3 बच्चे हैं, 6 परिवार में 4-4 बच्चे हैं, 5 परिवार में कोई भी बच्चा नहीं है, तो ये आपका टोटल 40 हो जाएगा। ये आपकी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल थी। आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज़।